हैं, माँ भारती की संतान। आपकी तरह मेरी शिराओं में भी तपस्वियों का तेज बहता है। आज अपना परिचय इसलिए दिया क्योंकि प्रणाम कर परिचय देना हम भारतवासियों की परंपरा है। भारत, मैं उस भारत से आती हूँ जिसकी होठों पर गंगा और हाथों में तिरंगा है। मैं उस भारत से आती हूँ जो कभी सत्यम शिवम सुंदरम, कभी वंदे मातरम, तो कभी पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा है। मैं उस भारत से आती हूँ जो ठुकराए हुए लोगों की शरण स्थली बन जाता है। मैं उस भारत से आती हूँ जो सात समुंदर पार लोगों को सिस्टर्स एंड ब्रदर्स कहकर बुलाता है। मैं उस भारत से आती हूँ जिसने विश्व को हितोपदेश दिया, कर्म योग सिखाया, परंतु कभी अपना पराया ना सीख पाया। वसुधैव कुटुंबकम के सिद्धांत पर चलने वाला मेरा भारत वो नीलकंठ है जो खुद विष पीकर दूसरों को अमृत दान करता है। मेरा भारत कर्मण्य वादी का रस्ते गाता है, तीनों लोगों का स्वामी होकर भी माखन चुराता है और महाअवतार होकर भी माँ के हाथों मार खाता है। मैं गौतम के भारत से आती हूँ जहाँ जनहित के लिए एक राजपुत्र सन्यासी हो जाता है। मैं राम के भारत से आती हूँ जहाँ पिता की एक बात पर बेटा सिंहासन त्याग कर वनवासी हो जाता है। मैं उस भारत से आती हूँ जहाँ स्त्री को उसके स्वाभिमान से पहचाना जाता है, एक कुंवारी माँ को भी महासती कुंती के नाम से जाना जाता है और पांच पतियों वाली द्रौपदी को भी देवी माना जाता है। मेरा भारत आकाश सा बलवान परंतु धरती सा धैर्यवान है। मेरा भारत प्रेम का पुण्य लोक, अहिंसा का जन्म स्थान है, परंतु अगर नारी का अपमान हो जाए तो हमारा बच्चा बच्चा हनुमान है। पढ़ो हमारा इतिहास जो हमारे मस्तक पर लिखा है, एक दुशासन ने हमारी बेटी का आंचल खींच लिया, हमने 100 भाइयों की चिता जला दी, एक रावण ने हमारी माता का हरण करा, हमने पूरे राक्षस कुल की लंका लगा दी। मैं उस भारत से आती हूँ जो ना कभी रुका, ना डरा है, ना झुका है। मैं उस भारत से आती हूँ जो वीरता की वसुंधरा है। अपना परिचय इसलिए दिया क्योंकि प्रणाम कर परिचय देना हम भारतवासियों की परंपरा है। क्योंकि प्रणाम कर परिचय देना हम भारतवासियों की परंपरा है। धन्यवाद। एशिया उमर, एक देशभक्त आपकी तरह।